आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। अभी अभी बड़खा गांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साहु 7 सालों के अंतराल के बाद हजारीबाग लौटे। आज उनके हुटपार जेल से रिहाई हुई है और अपने घर लौटे हैं। प्रशंसकों में एक अलग ही उत्साह है। बम और फूलों के मालाओं से इनका स्वागत किया जा रहा है। आइए जानते हैं इनसे। सर, 7 सालों के बाद घर वापसी हुई है, कैसा लग रहा है सर? लगने का हमको तो जो पहले लग रहा है अभी भी लग रहा है, मेरा जनता हमारे हाथ में है, जनता मेरे हमको अपने दिल में जगह दिए हुए है। उसी का नतीजा है, जेल में रहने के बावजूद भी मेरी पत्नी को लोग जिताया, जो इतना क्रूशियल समय में जो मोदी लहर था उस समय, अभी मेरी बेटी को जितवाया जेल में रहने के बावजूद भी। हमको लोग राजनीतिक से अलग हटा देना चाहता था, षड्यंत्र के तहत इतने केस ला दे गए और निश्चित रूप से न्याय जो है सो कहीं ना कहीं न्याय से वंचित रहे हैं हम, लेकिन न्याय मिलेगा हमको। और जो है जो हमने आंदोलन खड़ा किया है वो जनहित के लिए आंदोलन खड़ा किया है, जनता को उसका लाभ मिला है। आज 3 लाख रुपया से लेकर के 25 लाख रुपया हुआ है तो निश्चित रूप से मेरे परिवार का देन है, किसी दूसरे नेता का देन नहीं है। आज यहाँ पर चूंकि मेरा बड़का गाँव विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग मेरा सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ है, यहाँ मिट्टी से मेरा दर्द है। मिट्टी में अगर एक गैंता भी चलता है तो उसका दर्द हम लोग को होता है। और यहाँ दूसरे लीडर जो बोरो प्लेयर यहाँ पर लीडर आते हैं उसको यहाँ दर्द नहीं है, वो बार बार अपना कैश कर भजा लेता है, अपना दलाली कर लेता है, लेकिन हम लोग दलाली करने कहाँ जाएंगे? हजारीबाग ने तो, बड़का गाँव ने, केराड़ी ने तो, पहरा गाँव जहाँ यहाँ रांची में भी हम लोग का कोई अपना न जमीन है न प्रॉपर्टी न घर है। हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? यहाँ तो लोग तो ऑस्ट्रेलिया तक लोग अपना बिजनेस और व्यापार फैला लिए यहाँ के ज़मीन से। इसलिए कॉरपोरेट लूट मचा हुआ यहाँ पर बड़का गाँव के धरती, जो 4 फसला ज़मीन है वहाँ पर, आज वहाँ पर कमर्शियल रेट, हाउसिंग रेट, इंडस्ट्रियल रेट और एग्रीकल्चर रेट जो रेट है वो रेट कहाँ मिल रहा है अभी लोगों को? और रेट हम दिलवाएंगे, क्योंकि जो NTPC का जो रेट जो निर्धारित करता है वो कोल इंडिया कोल मंत्रालय से आता है, उसका निर्धारित करने के लिए रेट उसका रिप्रेजेंटेटिव आता है, लेकिन वो तो आया नहीं। यहाँ पर है कि हम धरना बैठे 3 महीना काम बंद किए, 5 लाख बढ़ा दिया, समझौता कर लिया, उसके बाद कोई दूसरा बैठ गया, फिर हम बैठ गए तो हमने 3 बार बैठा तो 5-5 लाख रुपया बढ़ गया, 15 लाख हुआ। उसके बाद एक बार हमारी पत्नी विधायक बनी, वो एक बार धरना दिए बंद कराई तो 5 लाख बढ़ गया, 20 लाख हो गया। अगर 3 महीना हमारी बेटी बंद की तो 5 लाख फिर बढ़ गया, 25 लाख हो गया। तो उसी तरह तो ये गोरख धंधा चल रहा है, गोरख धंधा नहीं चलने देंगे हम। हम यहाँ पर जो है अभी CSR फंड का 1000 करोड़ रुपया लगा हुआ है, अभी 1000 करोड़ अगर बड़का गाँव खर्च होगा तो निश्चित रूप से लोगों का रोजगार और वहाँ का विकास होगा, लेकिन CSR फंड का 1 भी पैसा बड़का गाँव खर्च नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो भूमि घोटाला किया है, घोटालेबाजों को हम पर्दाफाश करेंगे और एक ऐसा आंदोलन करेंगे जिस देश और दुनिया देखेगी। और हम दबने वाले नहीं है, मेरा मनोबल जेल में रह करके घटा नहीं न कम हुआ है। और ये कॉरपोरेट लूट को बंद करेंगे और जो जनता की आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करेंगे हम। पहले आप विस्थापितों के लिए लड़ाई लड़े, फिर आपकी पत्नी लड़ी और उसके बाद आपकी बेटी लड़ी, अपने उत्तराधिकारी से कितना खुश है, उन्होंने कैसा काम किया बड़का गाँव में? नहीं, अभी तो हम अपनी बेटी को 100 में से लेकर के 110% मार्क्स देंगे, क्योंकि वो काम जिस तरह कर रही है। और विधानसभा में भी हमको नहीं लगता अम्बा प्रसाद से ज़्यादा कोई मामला उठाती है बड़का गाँव विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो अधिकारियों से या सेक्रेटरी से मिलना, रोड नली। अब चूँकि 2 साल से तो कोरोना लगा हुआ था, अभी तो 6 महीना से तो विकास काम होना स्टार्ट हुआ है, कोरोना में तो कोई काम हुआ नहीं। और मुख्यमंत्री भी जो है अभी UPA गठबंधन की जो हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री भी धड़ाधड़ अभी फैसला ले रहे हैं, जो कि जनहित का मामला है, फैसला है। अभी पारा टीचर का हो या आंगनबाड़ी का हो, 1932 का खतियान जो है, तो ये सब सारा चीज़ है, ये जनहित का मामला है। और बस हम 3 चीज़ अगर हो जाता है, और जो मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं कि LAT और CBA नहीं चलेगा, 2013 कानून चलेगा, अगर ये लागू कर देते हैं तो समझिए, और उसके बाद विस्थापन आयोग का गठन करते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट का गठन कर देते हैं, तो फॉरेस्ट राइट का अनुपालन सही से हो जाता है। क्योंकि आज फॉरेस्ट नहीं बचने के चलते हाथी बाघ जितना भी जो जंगल में जानवर हुआ सड़क पर आ रहे हैं और लोगों घर धांस रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है उन लोगों को, पानी नहीं मिल रहा है, तो उन लोग रोड पर आ रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं, घर धांस रहे हैं, घर का अनाज खा रहे हैं, तो क्या करेगा आदमी? जब आदमी परेशान है जानवर भी परेशान हो गया ज़्यादा। तो इस चलते हम चाहते हैं कि जल जंगल जमीन का जो मेरा लड़ाई है, झारखंड जो जल जंगल जमीन का पहचान है, ये पहचान को बरकरार रखने के लिए एक नया हुल, एक नया क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति हम लाएंगे और क्रांति करेंगे और एक बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा करेंगे जो देश देखेगा और दुनिया जानेगी। आपके आने से हजारीबाग कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? हजारीबाग अब कांग्रेस में होने जा रहा है, और हम हजारीबाग कहीं नहीं बात करें, पूरे झारखंड में एक लंबा लकीर खींचेंगे कांग्रेस पार्टी में रह करके, और कांग्रेस पार्टी में रहकर लंबा लकीर खींचेंगे। और यहाँ पर निश्चित रूप से हजारीबाग हो, चतरा हो, ये सब तो ब्लैंक है, खाली है,
यह कोई नेतृत्व करने वाला नहीं, जो भी आता है दलाली करता है, कंपनी का, कोलवरी का और कारपोरेट का, अधिकारियों का, सिर्फ दलाली में लोग व्यस्त है, पैसा कमाने में लोग व्यस्त है। जनता का आवाज़ कहाँ रख रहे हैं? जनता का आवाज़ पार्लियामेंट में आज देख रहे हैं, चाहे जयंत सिन्हा हो, चाहे सुनील सिंह हो, कोई भी पार्लियामेंट में जनहित का मामला उठाए हैं? आम्रपाली हो, मगध हो, बड़का गाँव हो, यहाँ पर जो शोषण हो रहा है, लोगों का जमीन छीना जा रहा है विस्थापितों के लिए, कोई आज तक आवाज़ उठाए? जबकि ये पार्लियामेंट का मामला है सब, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का CCL और NTPC सब सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, इन लोग कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है, क्योंकि ऊपर से इन लोग को पैसा मिल जाता है और पैसा लेकर के इन लोग जनता को, मुद्दों को, लोग मतलब इसको दबाने का काम करते हैं, धराशाई करने का काम करते हैं। और हम लोग वैसा, मेरा परिवार जो कुर्बानी दिया है, वो कुर्बानी नतीजा है कि आज हमारी पत्नी तक अभी जेल में है। आज हम इतना दिन के बाद आए, लेकिन मेरा मनोबल जेल में रह करके भी कमज़ोर नहीं हुआ है, न डाउन हुआ है। हम निश्चित रूप से जो है आज अम्बा प्रसाद जो प्रतिनिधित्व किया है, जनता पूरा उससे खुश है और हम भी खुश हैं। और निश्चित रूप से अम्बा प्रसाद भी बहुत मेहनत कर रही है, जनता का वो सारा काम जो है 24 घंटा उपलब्ध रहती है, काम कर रही है। और अब हम आए तो हम बैकअप देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। अब बड़का गाँव में तो जनता को मिल गया प्रतिनिधित्व, और बड़का गाँव और हजारीबाग और पूरे राज्य में हमको नहीं लगता विपक्ष अब कहीं बचा हुआ है। आने वाले लोकसभा चुनाव में योगेंद्र साहब कांग्रेस से लोकसभा का चुनाव लड़ते देखे जा सकते हैं? अब देखिए, वो तो समय बचाएगा, परिस्थिति बचाएगा। अब पार्टी अगर टिकट दिया, पार्टी अगर हमको या हमारी बेटी को जो है यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने के टिकट देगा, तो निश्चित रूप से लड़ेंगे। और कोई बचा हुआ है नेता कहाँ यहाँ पर? कौन है बता दीजिए, एक भी चेहरा बता दीजिए, कोई भी जो यहाँ पार्लियामेंट का नेतृत्व कर सकता है। इस चलते साजिश चला था ना कि हम लोग को जो है राजनीतिक करियर से आउट कर दे, लेकिन हम लोग का बाल बच्चा लोग जो है ये सब पूरे झोंक दिए हम लोग पॉलिटिक्स, जनता की सेवा में। आपका घर वापसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थे योगेंद्र साहब, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार, जो 7 सालों के अंतराल के बाद आज हथवार जेल से छूटकर घर आए हैं, और इनके प्रशंसकों ने इन्हें का जोरदार स्वागत किया है। आगे इन्होंने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है, यानी कि जो कंपनियां बड़का गांव क्षेत्र में काम कर रही है, उनके लिए आने वाला समय कठिन हो सकता है। मैं शशांक, न्यूज़ 22 स्कोप के।